हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड का फाइनल आंसर की, देखिए प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था तो सब लोग आपत्ति किए, तो देखिए उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा तब रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए 1 to 5 का जो फाइनल आंसर किया आएगा वो कल शाम तक, 6 to 8 का जो फाइनल आंसर किया आएगा 16 सितंबर को, और 22 सितंबर तक आपका 9th, 10th और 11th, 12th का फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और देखिए रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए टारगेट है कि इसी माह के यानी सितंबर में ही लास्ट में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक बीपीएससी को रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को भी नहीं मिली है, समझे। जैसे मिलेगा वैसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो वही लिखा है कि जो रजनीश कुमार है न्यूज 18 के जो पत्रकार है, तो उनके अनुसार है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड की परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर है कि कल 1 से 5 का आंसर की फाइनल आंसर की आपका शाम तक अपलोड हो जाएगा। 16 सितंबर तक 6 to 8 का फाइनल आंसर की जारी होगा, 22 सितंबर को आपका 9th, 10th और 11th, 12th का फाइनल आंसर की जारी होगा, और महीने के आखिरी सप्ताह में जारी होगा टीआरई का रिजल्ट, लेकिन अभी रोस्टर क्लियरेंस आयोग को नहीं मिला, जैसे मिलेगा जारी हो जाएगा, समझे। तो फाइनल आंसर की में किसी का 2 नंबर बढ़ेगा घटेगा, 2-3 नंबर बढ़ता घटता है, तब उसके बाद आपका पूरा फाइनल हो जाएगा, समझे। और फिर उसके बाद आपका जितना नंबर आएगा फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपका रिजल्ट अब रोस्टर क्लियरेंस मिल जाएगा इस माह के लास्ट तक, तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो लेट भी हो सकता है। तो जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस क्लियर होगा वैसे ही रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट आ जाए, अच्छा से आ जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा से हो जाए, तो सब चीज़ अच्छा से हो जाए, तो फिर जितना फर्जी देख रहे हैं अभी जो बहाली निकल रहा है सब में, तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो नहीं जितना जाएगा बहाली में फर्जी।